नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है श्री दिवाकर जी जो मंडीदीप भोपाल से आए हैं। श्री दिवाकर जी को एवियन हो गया है, अवास्कुलर नेक्रोसिस। एवियन में क्या होता है, हमारा जो हिप ऑफ फीमर है उसका जो हेड है उसमें ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है और वो खराब हो जाता है। इनका एवियन थर्ड स्टेज में अभी ये MRI में आया है। जब हमने केस टेकिंग लिया तो हमने हिस्ट्री में पाया कि इन्होंने हेल्थ को बढ़ाने के लिए कोई पाउडर खा लिया था जो स्टेराइड बेस्ड था, जिसके कारण हड्डी गल गई। तो युवा वर्ग से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी तरह का इस तरीके का पाउडर, स्टेराइड या कोई भी दवाई बिना चिकित्सक के सलाह के नहीं लीजिए। तो मैं चाहूँगा कि ये बताएं कि इनको ये बीमारी कैसे हुई और इनको कैसे पता चला, और हमारे युवा साथियों को क्या सलाह देना चाहेंगे, प्लीज़। सर, वो मैंने अभी स्टेरॉइड लिया था, मतलब प्रोटीन पाउडर लिया था वज़न बढ़ाने के लिए। तो मेरा कहना ये है कि स्टेरॉइड नहीं ले बिना डॉक्टर के सलाह के, कोई सा भी स्टेरॉइड यूज़ ना करें। मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ, कई बार लोग स्किन के ट्रीटमेंट के लिए खुद से सेल्फ मेडिकेशन ले लेते हैं, या ऐसा वजन बढ़ाने के लिए सेल्फ मेडिकेशन ले लेते हैं। कई बार कोई मित्र सलाह दे देता है, कोई दूसरे जो डॉक्टर नहीं होते हैं वो लोग सलाह दे देते हैं। तो आप इस तरीके का सेवन नहीं करें कि दवाई से आपका शरीर और ख़राब हो जाए, शरीर को नुकसान हो जाए। कृपया प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन से बचें, चिकित्सक से सलाह अवश्य लें। जो ये परेशानी है उसके लिए हमने अभी इस महीने हमारा सेहत सूरत का एक अंक निकाला है जो जोड़ों पे ही आधारित है, तो आप इसको भी पढ़िए, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। इसके अलावा मैंने खाने पीने का कुछ बनाया हुआ है। हमारे पास अप्लास्टिक एनीमिया के बहुत सारे केसेस आते हैं, तो ये भी उसी से रिलेटेड है। तो ये सारा आपको खाने के लिए यूज़ करना है। आपको रेस्ट करना है प्रॉपर तरीके से, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है, उछल कूद नहीं करना है, ताकि अपना जो हड्डी खराब हो गया है उसको भरने के लिए समय मिले। इसके साथ जैसे अगर इस पर आप हिप रिप्लेसमेंट के लिए जाते हैं तो आप उन चिकित्सक से भी सलाह कर सकते हैं, हिप रिप्लेसमेंट कितने दिन तक इस पर प्रभावी रहेगा। इसके अलावा आपका जो पैर है, पैर को इंच टेप से नाप लीजिए। कोई पैर अगर छोटा हो गया है, कोई पैर बड़ा हो गया है, तो जो पैर छोटा हो गया है उसके नीचे आप चप्पल और जूते में सोल लगाइए, सो देट कि उसका जो प्रॉपर आपका हाइट है वो मेंटेन रहे। आप एक एक साइड ज़्यादा वजन डालेंगे, दूसरे साइड कम डालेंगे, तो एक साइड जिधर वजन आएगा शरीर का वो और जल्दी खराब हो जाएगा। तो चलने में आप प्रॉपर ध्यान रखें, दोनों पैर पे शरीर का प्रॉपर वजन डालें और बहुत ज़्यादा पेन किलर या स्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं करें। थैंक यू, धन्यवाद।